दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय P3Y। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र करसोग में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर SDM कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने की। बैठक में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रयोजन से गठित विभिन्न टीमों के नोडल अधिकारियों को उनके दायित्व से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, लगन और निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए, ताकि निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। सर, आज ना आपकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आपने ली है, जानकारी दें उसमें क्या क्या हुआ है जी। आज जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे काम है उसके नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग की गई, जिसमें डिफरेंट जैसे हमारे पोस्टल बैलेट बनने हैं, हमारे ट्रेनिंग होनी है और बोर्डिंग लॉजिंग जो पोलिंग पार्टी द्वारा किया जाना है, मटेरियल बनाना है, तो इन सभी नोडल ऑफिसर की मीटिंग हुई और सभी को यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके कार्य है उनको 2-3 दिन के अंदर अपनी पूरी रूपरेखा बनाए और पेश करें कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ें कहाँ की जानी है, क्या चीज़ें नहीं की जानी और क्या कमियाँ हैं जो जिसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सके। दूसरी मीटिंग हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की 8-9 टीमें हैं जो डिफरेंट काम करेंगी। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, और कभी भी हो सकता है 10 तारीख के बाद, तो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है हमारी सारी टीमें काम करेंगी। जितनी भी डिफेसमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी में, जहां कहीं भी ऐसे ये जहां पर पार्टी के बारे में कुछ लिखा गया है, वोट के बारे में अपील की गई है, वो सारी डिफेसमेंट हटाई जाएंगी और कोड ऑफ कंडक्ट का निश्चित रूप से फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका पालन किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया जाएगा, कोई भी अगर ऐसा इलीगल किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है, इलीगल कोई भी बैनर छपते हैं, कुछ भी होता है जो हमारे इलेक्शन दायरे में आता है, चाहे हमारी बहुत सारी जितनी भी टीमें हैं, 3 फ्लाइंग स्क्वाड है, 3 SST है, सभी टीमें अनाउंसमेंट के बाद अपने मोर्चा संभालेगी और कहीं भी गलत होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो हमारा करसोग विधानसभा है कितने सेक्टर में बांटा गया जी? ये 13 सेक्टर है और इसमें 13 सेक्टर ऑफिसर है, हमारे 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट काम करेंगे और 3 फ्लाइंग स्क्वाड, 3 स्टैटिक सर्विलेंस टीम, 3 वीडियो सर्विलेंस टीम। ये हमेशा जहां कहीं भी रैली हो रही है, कहीं कुछ भी जो पॉलिटिकल गतिविधि होती है तो उस पर नज़र रखेगी और उसके पे हम पूरा कोशिश करेंगे कि कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई मनी पावर मसल पावर यूज हो रहा है, तो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए हमारी सभी टीमें तैयार है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परम जी, पप्र परम योग, पहला पी परम योग। परम जी और उनकी अदृश्य पावन शक्ति जो कि पूर्ण व्यवस्था की आत्मा है। दूसरा पी पप्र शरीर है। इच्छाएं पूर्ण होती हैं, विपत्ति विलीन होती है। तीसरा पी परम और वाय से योग, परम योग मन है, उससे मन की शांति मिलती है। P3Y एक पूर्ण व्यवस्था है, व्यवस्था की सुरक्षा से सभी मिलता है। चीनी खाओ, मिठास का अनुभव लो, P3Y करो, P3Y से होने वाले सुख का अनुभव लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219985344 या 7018858760 या फिर 8219442405।